नमस्कार, अरे स्वागत करिए हमारा। काहे, अरे पिछली बार हमने इतनी सारी बातें बताई थी जो आपके फायदे में आई थी। हाँ हाँ, याद आया ना? नहीं याद आया? अरे नहीं याद आया तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन आगे सुनिए। हमने जो जो बातें आपको बताई थी ना, कितनी फायदे में आई थी आपके। तो हम ना ऐसे है ना, हम ये बिलीव करते हैं कि भैया नेकी कर और दरिया में डाल, समझे ना? अरे लल्लन जी सुनिए हमारी बात ध्यान से। अरे आप ही तो हैं जो हमारी बात ध्यान से सुनते हैं। वो जो हमारी पड़ोस वाली है ना मिसराइन, अरे बहुत मोटी हो गई हैं। काहे, रोज मोमोज और समोसे के ठेले पे पाई जाती हैं, खाती रहती हैं घबर घबर घबर। लेकिन पता है आपको, हम भी खाते हैं, ये सीक्रेट है, हम भी खाते हैं। लेकिन देख रहे हो ऐसा कि कटरीना भी पानी मांगेंगी हमारे फिगर को देख के। सही बोल रहे हैं ना क्या लल्लन जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। देखो अब हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, काहे कि हम खलियर तो हैं नहीं ससी भैया की तरीके से। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि भैया कैसे आप मतलब मस्त घर के अंदर से सामान निकालेंगे और एकदम मस्त पिएंगे और एकदम चकाचक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है ना? लल्लन भैया तो बने हैं, आपको भी बने रहना पड़ेगा। बने रहेंगे ना तो हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अरे हम बबीता हैं, कोई बतकही बतकही नहीं करेंगे, एकदम कट टू कट बात बताएंगे और एकदम आपको बिल्कुल कम पैसों में कैसे एकदम आप पतले हो जाओ ना, वो हम इलाज बताएंगे। तो सुबह सुबह आप एकदम उठते हैं, एकदम चाय, शाम की चाय, सुबह की चाय पीते रहते हैं गट 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 गट, फिर सोचते हैं अरे हमको गैस की प्रॉब्लम हो गई। सोचते हो ना ये कि हम तो काले हो रहे हैं, ये भी कुछ लोग सोचते हैं। खैर जाने दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ये सोचते हो कि भैया हम तो भई पी लिए हैं चाय और अब हमको गैस की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि भैया चाय पीने से भी आप पतले हो सकते हो, ये नुस्खा अगर हम आपको बता देना तो दिन भर आप ले के बैठे रहो कब, किसी कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब वो नुस्खा सुनने के लिए ना आपको बने रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि क्या बता रहे हैं हम। तो आपके घर में ना अदरक है, हाँ वो कोने में पड़ी हुई है, उठा लो उसको और बढ़िया उसको सुखा दो पहले। हाँ मतलब एक दो दिन लगेगा सूखने में, सुखा दो बढ़िया उसको अच्छे से और उसके बाद उसका पाउडर बना लो। पाउडर काहे बना लो वो हम बाद में बताएंगे, पहले तुम पाउडर तो बना लो। हाँ ठीक है, अब जाओ अपने किचन में जो मसाले का डब्बा में धनिया है ना, सूखी धनिया, वो उठा लो। उठा लियो ना, बिल्कुल सही। अब सौंफ भी उठा लो उसी बहाने। अरे आगे हम बताते हैं ना क्या करना है, बढ़िया मस्त चाय बताएंगे और दिन भर पियोगे आप वो चाय और एकदम पतला जाओगे एकदम। हाँ बस 15-15 दिन लगेगा मुश्किल से। तो हम बताएंगे आगे आखिर उसमें करना क्या है। अब जो इतने सारे आइटम आप ले लियो ना, अब वो का क्या करो, एक पहले पानी लो गैस पे। हाँ गैस पे थोड़ा गैस जलानी पड़ती है, वो सोनम कपूर की तरीके से मत करना कि बिना गैस जलाए उस पर रख देना ऐसे बर्तन। एकदम गैस जलाना, उस पर पानी उबाल देना थोड़ी देर के लिए, फिर उसके अंदर डालना एक आधा आधा चम्मच सौंफ, ठीक है आधा चम्मच, ज़्यादा मत डाल देना। नहीं पता चला सोचो कि नहीं हमें जल्दी पतला होना है तो एकदम ज़्यादा डाल दें, नहीं, आधा चम्मच सौंफ डालना है। फिर अदरक पाउडर जो सुखाए थे, जो पीसे थे ना, एक चम्मच अदरक पाउडर डाल दीजिए उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें चाय पत्ती डाल दीजिए। अरे चाय वाली फीलिंग भी तो चाहिए ना। अरे हम बबीता आपका ख्याल रखते हैं भैया, चाय वाली फीलिंग देंगे आपको एकदम कि भाई चाय पी रहे हो आप। अब आपने गुड़ डाल दिया ना उसके अंदर, अब गुड़ डाल दिया ना, अब धनिया पाउडर भी थोड़ा सा डाल दीजिए, जो आधा चम्मच धनिया पाउडर था ना वो भी डाल दीजिए। अब उसको थोड़ी देर पकने दीजिए, हाँ पकने दीजिए आराम से, थोड़ा पक वक ले, जैसे चाय पकाते हैं बढ़िया अदरक वाली चाय लगा के छोड़ देते हैं कि भैया अदरक की फीलिंग आनी चाहिए, जस्ट वैसी ही फीलिंग, एकदम सेम टू सेम फीलिंग आएगी इस चाय के साथ। अब ये चाय लीजिए और रोज़ एक दिन पीजिए। अरे भाई एक दिन क्या मतलब, आप रोज़ पीजिए 15 दिन तक, ठीक है। और फिर देखिएगा कैसे धीरे 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 आपकी चर्बी हटेगी, एकदम फिट हो जाओगे, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ मतलब दो बार से ज़्यादा मत पी लीजिएगा इस घोल को। नहीं पता चला सोचें कि नहीं हम एक ही साथ 7-8 बार पी लेते हैं और एक ही दिन पतले जाएंगे, नहीं नहीं, दो ही बार पियेंगे और 15 दिन तक पीजिए, देखिए आप कैसे पतले हो जाते हैं। तो भैया ये सब जब करेंगे ना आप, तो मोहल्ले में कसम से बवाल काट देंगे आप। अरे आप लड़के हो या लड़की हो, मिस्रा हो, सरमाइन हो, कोनो फर्क नहीं पड़ता, इस्तेमाल करिए। अब ये तो आपने कर लिया, अब हम एक और बैक टू बैक नुस्खा बताएंगे। भैया एक और नुस्खा हमारे पास है, बहुत मस्त एकदम। अब जब आपने ये वाला जो घोल है ना 15 दिन इस्तेमाल किया, तो आप तो फिट ही हो जाओगे भैया, बवाल काटोगे मोहल्ले में एकदम कि भैया हम तो एकदम कटरीना बन गए, हम तो एकदम शाहरुख बन गए। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन हम उसके अलावा एक और नुस्खा बता रहे हैं भाई, वो भी करना पड़ेगा, वो भी करिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है।
अरे अपने घर की चीज है, घर में मिल रही, आराम से बैठ के बनाइए और इस्तेमाल करिए। तो हमारा दूसरा जो नुस्खा है ना, 1 लीटर पानी में हो जाएगा आपका काम। हाँ, 1 लीटर पानी लीजिए और मैं नींबू निचोड़ दीजिए, ठीक है, और हरी धनिया जो सब्जी वाले से फ्री में ले लेते हैं आपकी, अरे भैया दे दो फ्री में, हाँ फ्री में ले लीजिए, लेकिन अच्छी वाली धनिया लीजिएगा, उन्हें सूखी वाली धनिया लेके चले आए, अरे अरे अब उसको पीसेंगे। अब उस धनिया को क्या करिए, उसका पेस्ट बनाइए, उस गर्म पानी में धनिया और नींबू डालिए और उसको खाली पेट रोज़ 15 दिन तक पीजिए। जो ये साइड से चर्बी निकलती है ना, जो जींस पहनने के बाद आपको लगता है अरे यार ये साइड से कुछ खरीदना पड़ेगा, वो जो इतने सारे शॉपिंग से कि भैया हम पतले लगे, नहीं नहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, 15 दिन बाद ऐसे चुटकी, हाँ चुटकी बजाते एकदम गायब हो जाएगी, समझ रहे हो ना, बबीता का वादा है ही, समझ रहे हो ना। अच्छा, जो ये नुस्खा हम बताए थे ना, इसको पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, नहीं पता चला घपर घपर खाने लगे, सुबह नाश्ते में पिए उसके बाद कल खा वाले एकदम क्या ही, अब तो पतले हो ही जाएंगे, ना ना दादा कुछ मत खाना पीना 1 घंटे तक, ठीक है, फिर होगा उसका कुछ रिजल्ट, नहीं तो पता चला शुरू हो गया एकदम लेके पराठा वराठा। जब लोग फेमस हो जाते हैं ना तो देखना छोड़ देते हैं, लेकिन हमको देखा एकदम फेमस है अपने मोहल्ले में, हम आपकी नज़र में भी तो फेमस है, तभी तो दूसरी बार आए हो आप वीडियो देखने के लिए। अरे भैया हम ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हैं जो आपके घर के अंदर कोने में पड़ा रहता है और उसके बाद आप इस्तेमाल करते नहीं, लेकिन उसमें से हम ढूंढ के आपको नुस्खा बताते हैं, फिर काहे की दिक्कत है भैया। तो रोज़ रोज़ अगर ऐसे नुस्खे देखने तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जी हिंदुस्तान का डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको फॉलो करिए ना, देखिए उस पर, और हमारा जो वीडियो आता है ना उसको भी ध्यान से सुनिए और देखिए, तब पता चलेगा कि आखिर आप अपने सेहत को कैसे फिट एंड फाइन रख सकते हैं। देखो अब हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमको आ गया वो फिल्म स्टार का कॉल, तो हम जा रहे हैं भैया उससे बतियाने, क्योंकि हम बहुत फेमस है ना, तो आप बिल्कुल हमको फॉलो करते रहिएगा, ठीक है।